Hey guys, in this video we will discuss about G20. G20 क्या है, उसकी summit कहाँ हुई और उसका outcome क्या आया, ये हम इस video में discuss करेंगे. So let's start. Okay, तो अभी news क्या है? News ये है कि G20 के जो leaders थे उन्होंने क्या किया, एक fair distribution of COVID-19 vaccine, ये उन्होंने अपने statement में बोला है. जो G20 की जो summit हुई उसका ये outcome आया है. Okay, तो G20 की summit कहाँ हुई ये हम देखते हैं. पहले ये देख लो यूपीएससी क्वेश्चन क्या पूछा हुआ था. ये यूपीएससी क्वेश्चन है जो रिसेंटली 2020 में आस्ट, यूपीएससी के थ्रू आस्ट हुआ था ये क्वेश्चन. ठीक है, तो इसमें पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स आर ऑल द फोर कंट्रीज मेंबर्स ऑफ G20. तो कौन से ग्रुप है, आंसर ए है अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, या बी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मलेशिया एंड न्यूजीलैंड, ब्राज़ील, सऊदी अरेबिया एंड वियतनाम, इंडोनेशिया, जापान, सिंगापुर एंड साउथ कोरिया. तो इसका आंसर आपको देना है, वीडियो के एंड में मैं आपको आंसर प्रोवाइड कर दूंगी. ओके, तो G20 क्या है सबसे पहले ये देख लो. तो G20 जो है वो 20 कंट्रीज़ का एक ग्रुप है. ठीक है, तो 20 कंट्रीज़ उसमें क्या है, 19 कंट्रीज़ आती है और एक यूरोपियन यूनियन है उसमें. ओके, तो G20 एक इंटरनेशनल फोरम है जहाँ पे गवर्नमेंट्स और सेंट्रल बैंक आपस में जुड़े हुए हैं, सेंट्रल बैंक के जो गवर्नर्स हैं. ओके, तो ये 19 कंट्रीज़ प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है, इंटरनेशनल ग्रुप है. तो G20 से आप याद रख सकते हो कि 2000 के आसपास इसका फाउंडेशन हुआ था. तो 2000 से आप याद रख सकते हो, 1999, 2000 के एक साल पहले इसका फाउंडेशन हुआ था. इट वाज फाउंडेड इन 1999. ठीक है, तो 1999 में इसे फाउंड किया गया था इंटरनेशनल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को डिस्कस करने के लिए. और 2008 में जब फाइनेंशियल क्राइसिस आई तो इसे एक्सपेंड करने का डिसीजन लिया गया. तो इसे एक्सपेंड करके किसे किसे इंक्लूड किया गया, इट वॉज इंक्लूडेड हेड ऑफ गवर्नमेंट वॉज इंक्लूडेड, हेड ऑफ स्टेट, फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर एंड थिंक टैंक्स वेर इंक्लूडेड. और उसकी जो सबमिट्स है वो पीरियोडिकली होती रही. अब इसके मेंबरशिप देख लो, जैसे कि हमने बात किया इसमें 19 कंट्रीज है प्लस यूरोपियन यूनियन. तो यूरोपियन यूनियन यूरोपियन कमीशन के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है उसे, एंड बाई यूरोपियन सेंट्रल बैंक. तो ये दो है यूरोपियन यूनियन के अंदर, यूरोपियन कमीशन एंड यूरोपियन सेंट्रल बैंक उसे इस्टेब्लिश रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, तो G20 जो इकॉनमी है वो 90% वर्ल्ड, जो वर्ल्ड का ग्रॉस प्रोडक्ट है उसको सिंबलाइज करती है. तो वर्ल्ड का 90%, सोचो कितना बड़ा है ये, 80% ऑफ वर्ल्ड ट्रेड ये उसे सिंबलाइज करती है. ओके, एंड 2/3 ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन. ठीक है, तो 66% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड अप्रॉक्सीमेटली हाफ ऑफ 50% ऑफ वर्ल्ड लैंड एरिया ये उसे इंक्लूड करती है. तो ये थोड़ा आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आप याद रखिएगा. अब नेक्स्ट है समिट के बारे में. समिट में देखो अभी क्या हुआ था. तो क्या G20 की समिट कभी ट्वाइस हुई है, मतलब ये तो हमने सुना है कि एक साल में एक बार G20 की समिट होती है. तो क्या ऐसा भी कभी हुआ है कि एक साल में दो बार G20 की समिट हुई? हाँ, तो ये हुआ है. जब 2008 में पहली बार जब G20 की समिट को रेगुलरली अनाउंस करने की बारी आई, उसके बाद जब 2009 एंड 2010 में ये G20 की समिट जो है वो दो दो बार होती थी एक साल में. ठीक है, फिर नवंबर 2011 जब इसे क्या कर दिया गया, एनुअली इस समिट को मनाया गया कि ठीक है ये समिट जो होगी वो एनुअली होगी आफ्टर कैंस, मींस जो फ्रांस समिट, कैंस जो है वो फ्रांस की एक सिटी है. तो समिट 2020 वाज होस्टेड बाय सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया ने इसे होस्ट किया था. एंड इंडिया विल होस्ट द G20 समिट इन 2022, क्योंकि आप जानते हैं कि नेशन जो है हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस अपना सेलिब्रेट करेंगे 2022 में, इसलिए इंडिया इस समय जो G20 की समिट है उसे होस्ट करेगा. अब G20 कंट्रीज़ कौन कौन से आते हैं, तो यहाँ देख लो, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, यूरोपियन यूनियन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपने देखा है कि ये यूपीएससी ने इसे पूछा था. ठीक है, तो इसे आप मैप के थ्रू आप अच्छे से याद कर लीजिए कि इधर की जो नॉर्थ अमेरिकन और साउथ अमेरिकन की बहुत सारी कंट्रीज़ आती हैं और जो पैसिफिक रीजन है उसके जो बॉर्डर की कंट्रीज है वो आती हैं और यूरोपियन यूनियन की कुछ कंट्रीज आती हैं, उसके अदर देन साउथ अफ्रीका आता है. ओके, साउथ अफ्रीका एंड सऊदी अरेबिया, टर्की, ये सारे कंट्रीज आते हैं. ओके, तो आउटकम क्या था अभी जो G20 समिट हुई उसकी, आउटकम ये था क्योंकि आप जानते हो कि COVID-19 से रिलेटेड ही कुछ आउटकम होगा, है ना. तो G20 समिट में जो 20 बिगेस्ट इकोनॉमी है उन्होंने ये डिसाइड किया कि फेयर डिस्ट्रीब्यूशन COVID-19 वैक्सीन का होना चाहिए. मीन्स जब भी वैक्सीन आए तब उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, जो गरीब और पुअर कंट्रीज़ जो हैं उन्हें ज़्यादा वैक्सीन का एक्सेस मिलना चाहिए. ओके,
द यूरोपियन यूनियन ने बोला है कि $4.5 बिलियन वो पे करेगी टू पे फॉर COVID-19 फाइटिंग टूल फॉर पुअरर कंट्रीज, पुअरर कंट्रीज के लिए वो पे करेगी टुगेदर, ठीक है। अब G20 में एक चीज़ और सामने आया कि जो इंटरनेशनल जायंट है, टेक्नोलॉजिकल जायंट जैसे अमेजोन, फेसबुक, वो सबके वो लोग हेल्प लेंगे और उन्हें भी फेयर शेयर प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि बिना टेक्नोलॉजी की ये चीज़ पॉसिबल नहीं है, है ना। तो ये जो समिट थी ये वर्चुअल समिट हुई, और इसमें और क्या क्या चीज़ सामने निकल के आया, ये चीज़ देख लो कि इसमें इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन कंजर्व करने के लिए, सस्टेनेबल यूज़ करने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को रीस्टोर करना है, ओशन को प्रिजर्व करना है, क्लीन एयर प्रमोट करना है, क्लीन वाटर एंड क्लाइमेट चेंज को टैकल करना है, दैट आर द मोस्ट प्रेसिंग चैलेंजेस ऑफ आवर टाइम, ये G20 में इशू किया गया। तो अब ये क्वेश्चन है, इसका आपने अब तक आंसर तो दे ही दिया होगा, तो इसका आंसर है ए, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की। तो ये देख लो आप, अर्जेंटीना, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका एंड टर्की इसका आंसर था। तो ये मैप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आप अच्छे से याद रखिएगा। ओके, सो दिस वॉज द एंड ऑफ वीडियो, थैंक्स फॉर लिसनिंग।